नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एग्ज़ाम की पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हो, क्योंकि आपको पता है कि 2 जून को अपना JET, PPG और PhD का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो तैयारी आपकी पूर्ण हो चुकी है। अब यहाँ पे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम जो 2 जून को आयोजित किया जा रहा है, 2 जून को आयोजित किया जा रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। सभी ने अपना जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर आपने चेक कर लिया है कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले उस एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है आप पहुँचे, और उससे पहले आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री जो है आपको साथ में क्या क्या ले जानी है, जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, ये सारी आप सुनिश्चित कर लें कि वो सामग्री आपके साथ है या नहीं है। उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके शहर से दूसरे शहर के अंदर आया है, तो उस केस में आपको 1 जून को शाम को ही वहाँ पर पहुँच जाना है। वहाँ पर आपको विशेष तौर पर समय का बड़ा ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आप जो है 1 जून को शाम को ही वहाँ पहुँच जाए, और वही सेंटर के आसपास जो है अपने रहने की व्यवस्था आप वहाँ पर कर लें। उसके बाद सुबह के टाइम जैसे आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के निर्धारित समय पर जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर आपको दिया है, उस निर्धारित समय पर जो है आप वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाएँ और अपनी पहचान सुनिश्चित कराकर जो है आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर प्रवेश कर लें। इसके साथ साथ आप उस समय किसी भी प्रकार का तनाव, यानी कि आप कोई स्ट्रेस में नहीं रहें, कोई तनाव आप महसूस नहीं करना चाहिए आपको कि भाई मैंने ये पढ़ा ये नहीं पढ़ा। कोई विद्यार्थी हो सकते हैं कि वो वहाँ पे कुछ नोट्स पढ़ रहे हों, कोई कुछ कहेगा भाई आपने ये पढ़ा क्या, तो आपको इतना उस समय सोचना नहीं है। आपको पेपर देने गए हो, आपको जितना भी पढ़ना था उतना आप पढ़ चुके हो, अब आपके पढ़ने का समय नहीं है। आपने जो ऑलरेडी पढ़ा है उसी को जो है उसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको एग्जाम के अंदर जाकर जो है वहाँ पर अपने प्रश्नों का जवाब वहाँ पर देना है। तो आप सेंटर में पहुँच गए, एग्जामिनेशन हॉल में चले गए आप। अब एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही शांत माहौल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भाई आपको डिस्टरबेंस कोई कोज करेगा। वहाँ किसी भी प्रकार के दबाव में आपको वहाँ पर नहीं आना है, प्रेशर में आपको नहीं आना है। आपको बिल्कुल ही एकदम फ्री माइंड रहकर वहाँ पर फिक्स टाइम पर आपको ओमार दे दी जाएगी, उसके अलावा क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले ओमार की एंट्री को बड़े ही सही ढंग से आप उसको करें, उसमें अपने रोल नंबर्स या जो दूसरी जो भी डिटेल्स आपसे मांगी है उसको शांतिपूर्वक बड़े ही आराम से उसको सही सही से आप भर लें। और जैसे ही आपका पेपर शुरू करने का टाइम आए तो आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, और उसमें से जो क्वेश्चन आपको ध्यान है या जिनका आंसर आपको पता है उन्हें आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। और इसमें सीधा सा यही है, जो प्रश्न या जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है उस केस में फर्स्ट टर्म में जो अपने को जो आंसर टिक होता है वो 99% वही आंसर होता है। लेकिन फिर अपन बाद में ज़्यादा विचार करते हैं या ज़्यादा सोचते हैं तो उस केस में अपन गलत कर जाते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, उन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले करें जो आपको 100% 100% पूर्ण रूप से आ रहे हों। उसके बाद जिन प्रश्नों के अंदर आपको जो है दो ऑप्शंस के अंदर कन्फ्यूजन हो, ये उन प्रश्नों को आप सेकंड टाइम्स या सेकंड पार्ट के अंदर आप लें और उनके ऊपर विचार करके जो है प्रश्नों को आप सोल्व आउट करें। और कोई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे हों, तो उसके बारे में आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपने आपकी पूरी मेहनत की है, इतने समय से आप पढ़ रहे हो, तो अगर वो प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो वो किसी को ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप भी जानते हो मेरिट 100 में से 100 तो रहती ही नहीं, कभी उससे कम ही रहती है। तो आप इतना घबराए नहीं, इतने हेजिटेट नहीं हो, अपने आस पड़ोस में किसी से भी दूसरों के विश्वास पर या किसी के भरोसे भी आप नहीं रहे कि मेरा पड़ोसी मुझे बता देगा। आपको किसी पे भी विश्वास पे नहीं रहना है और ना ऐसा काम आपको करना है। आपको अपना पेपर खुद को देना है, आपके अंदर जो नॉलेज है वो आपको एक्सप्रेस वहां पर करना है, और बहुत ही शांत रह के और तनाव मुक्त रह के और अच्छे माहौल के अंदर जो है आपको पेपर को अटेंड करना है। और ज्यादा रॉन्ग आपको वहां पर नहीं करना है, गलत आंसर्स आपको वहां पर नहीं देके आने। जिस प्रश्न के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो उन प्रश्नों को आपके लिए छोड़ देना ही बेटर रहेगा। ज्यादा आप रिस्क वहां पर नहीं ले, पहले तो वो प्रश्न करें 100% जो आ रहे हैं, उसके बाद जहां पर दो ऑप्शन के अंदर दिक्कत हो तो उन प्रश्नों को भी आप जो है अगर आप पूरे श्योर नहीं हो रहे हो तो उनमें भी उनकी संख्या आप 10 से 12 के बीच ही रखें, उससे ज़्यादा संख्या आप नहीं रखें, अच्छे से पेपर दे लें। उसके बाद आप जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके पास खूब टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है टाइम की आपके पास कमी रहेगी, जितने प्रश्न आएंगे उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइम आपको दिया जाएगा।
और इवन इस बार तो जो है वहां पर 5 गोले आएंगे उसमें से, यानी कि आप कोई प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, उस केस में आपको अनुत्तरित प्रश्न का जो आपका ऑप्शन है गोला नंबर 5th जो है वह आपको वहां पर भरना पड़ेगा। तो जिसका भी आपने आंसर नहीं दिया उस गोले को भी आपको भर के आना है, इसके लिए आपको अतिरिक्त टाइम भी वहां पर मिलेगा। बिल्कुल ही नहीं घबराना है, अच्छे से पेपर देना है और मुझे पूर्ण विश्वास ही है कि आप अच्छे से पेपर दोगे और एग्जाम के अंदर आप जरूर सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।